फाइनली बिहार बोर्ड का जो है ना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का 21 से 23 सेशन का जो है डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है और सभी स्टूडेंट का अब डाउनलोड हो रहा है क्योंकि लिंक भी जो एकदम फटाफट काम कर रहा है। सभी बच्चे डाउनलोड यहाँ पर अभी देखिए, जस्ट हमने एक स्टूडेंट का डाउनलोड किया, आप सभी छात्र का डाउनलोड हुआ। जो जो बच्चे इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, सभी स्टूडेंट मात्र जो है 2 सेकंड के अंदर आप जो आप डाउनलोड कर पाओगे। कैसे डाउनलोड करना है चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पर हमने जो अभी जस्ट डाउनलोड किया इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो है सेशन 21 से 23 का सेशन है। यहाँ पर नाम दिखेगा, माता पिता का नाम हो गया, लिंग हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका संख्या बस यानी रजिस्ट्रेशन ईयर, क्योंकि आपका सेशन 21 से 23 है तो यहाँ पर आपको 21 दिखेगा। ये आपको सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट आपका डाउनलोड होना शुरू हो चुका। अब रही बात कैसे डाउनलोड करना, चलिए कमाल की वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। इसके लिए क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करना है आपको गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। आप जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप टाइप करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो सिंपली यहां पर आपको क्लिक कर लेना। और हाँ, डाउनलोड सभी स्टूडेंट तभी कर पाओगे जब आप लोग पेज को रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के लिए यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है लेटेस्ट अपडेट का, यहां पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट में आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने जो है थोड़ा सा नेटवर्क पर भी निर्भर है कि आपका नेटवर्क कितना स्पीड चल रहा है। अब जैसे ही आपका पेज लोड लेगा, यहां पर आप लोग देख लीजिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 दिख रहा है और यहां पर डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ। इस वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने थोड़ा सा पेज लोड लेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है क्योंकि नेटवर्क पर जो आपका नेटवर्क स्पीड जैसा वर्क करेगा उसी तरह आपका ये पेज भी वर्क करेगा। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए ये पेज आपका पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर आप लोग देखिए सारी जानकारी यहां पर आप लोगों को जो है यहां पर कहीं पर भी क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, इससे आपका पेज लोडिंग जो है ना सही से वर्क करेगा। अब यहां पर जितनी जानकारी दी गई है सारी जानकारी को पढ़ लेना, यहां पर रिफ्रेश भी कर लीजिएगा कहीं पे क्लिक मार के एंड उसके बाद नीचे आओगे तो आपके सामने यहां पर देख लीजिए 12th वाले स्टूडेंट के लिए 3-3 लिंक को एक्टिव कर दिया गया। तो सिंपली लिंक 1 में आपको क्लिक करना, फटाफट लिंक खुला। अभी जस्ट हमने जो है 2-4 स्टूडेंट का डाउनलोड किया और यहां पर आप लोग जैसे लिंक ये आपका खुलेगा यहां पर आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा पेज लोड ले रहा है। ओके देखिए यहाँ पर आप लोग जैसे खुला, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डम्मी एडमिट कार्ड आपका जारी हुआ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फटाफट आपका जो है ना पीएस खुलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलेज फैकल्टी जितनी जानकारी पूछी जा रही है नाम आपको सेलेक्ट करना, फैकल्टी जो भी फैकल्टी है वो सेलेक्ट कीजिए, स्टूडेंट नेम लिखना है यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या करना है फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना एंड व्यू पर क्लिक कीजिए। सभी बच्चे का जो है ना मात्र 2 सेकंड के अंदर फटाफट डाउनलोड हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट आइए, बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए। अभी सभी स्टूडेंट का डाउनलोड हो रहा है तो फटाफट आइए गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो फटाफट आप लोग जो डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।